अच्छा, रैंकिंग के लिए आप जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज करते हैं उनमें से एक है जिसमें आप फेसबुक का बॉट यूज करते हैं। बेसिकली आप यूज करते हैं इसको अपनी एड प्लेसमेंट के लिए, और फेसबुक पे आप एड लगा के तो यूजर को लैंड करवाते हैं अपने मैसेंजर के ऊपर। जब यूजर मैसेंजर के ऊपर आता है तो उसको फिर आगे से ये मैनीचैट का बॉट जो है वो उसको हैंडल करता है और उसको डायरेक्ट करता है तो वो आपके आइटम को परचेज कर लें। बॉट का वर्ड कहाँ से निकला मैंने आपको कल बताया था, रोबोट से ये बॉट है, और बॉट से मुराद ये है कि ये आपके जो रिव्यू का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर देता है। ऑटोमेट किस तरह से करता है कि अगर फर्ज करें कि आपके पास डायरेक्ट कोई कस्टमर आए और मैसेंजर पे आके आपको कहे हाय, तो आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। कुछ प्रोसेस, कुछ स्टेप्स होंगे, प्रोसीजर्स होंगे जो कोई आपको वन टू ऑल हर कस्टमर के साथ करने होंगे। जैसे नॉर्मल फ्लो क्या होगा आपका कि कस्टमर ने मैसेज किया हाय, आपने आगे से जवाब दे दिया हेलो, फिर वो कहे आप उसे कहते हैं जी, जैसे आप उसे कहते हैं कि सर्च करें मेरी प्रोडक्ट, सर्च माय प्रोडक्ट यूजिंग कीवर्ड, आप उसे कहते हैं वो सर्च करें प्रोडक्ट, वो कहता है यस आई हैव डन। फिर आप उसे कहते हैं कि आप उसे कंफर्म कर लेते हैं डिड यू फाइंड दिस प्रोडक्ट, साथ आप उसका इमेज देते हैं, वो कहता है यस। फिर आप उसे कहते हैं कि ओके गो एंड परचेज, वो परचेज कहता है, फिर कहता है आई हैव परचेज्ड, ठीक है जी। फिर आप उसे कहते हैं कि गिव मी योर पेपॉल इंफॉर्मेशन, आप उसको ताकि जो भी आपका एक्सचेंज का प्रोडक्ट अगर आप उसको फ्री गिव अवे कर रहे हैं तो आप उसे पेपर इंफॉर्मेशन लेके आप कहते हैं कि जी ओके आई विल ट्रांसफर, या रिव्यू के बाद आप इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है, आपका ये फ्लो है जो कि इसी एक एक्टिविटी में होगा। तो बॉट में क्या करते हैं आप, बॉट में आप इस सब के सब को ऑटोमेट कर देते हैं। तो ऑटोमेट करने के लिए सबसे पहले तो जब आप मैनीचैट के जाएंगे होम पेज पे, मैनीचैट.com पे, तो सबसे पहले करना आपको क्या होगा, आपको वहां पे जाके अपना फेसबुक पेज लिंक करना होगा। फेसबुक पेज को लिंक करके तो आप उसमें आपके सामने जब डैशबोर्ड आएगा वो इस तरह से आपके सामने शो हो रहा होगा जिस तरह के अभी आपके सामने आ रहा है। यहाँ पे ये पेज हमारा आ रहा है सामने, ये पेज शो कर रहा है, उसमें वहां से फेच कर लिया और उसकी टैगलाइन वगैरह फेच फेच कर ली। इसको अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैं आपको इसको दिखाने से पहले एक फ्लो मैं आपको जो है उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ कि एक फ्लो आपके सामने किस तरह से चलता है। अच्छा, फ्लो की एग्जांपल के लिए हम लोग यहाँ पे ना इसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं आपके पास, अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये टेम्पलेट्स हैं आपके पास। अब ये टेम्पलेट्स इन्होंने कैटेगराइज करके रखे हैं, मुख्तलिफ हैं, कुछ प्रो हैं, कुछ फ्री है, फिर उसमें भी कैटेगरी वाइज है। जैसे अगर प्रो में हम देखें तो प्रो में हमारे पास कोई टेम्पलेट आप देखें तो रैली सेलर का एक डायलॉग फ्लो, कलेक्ट ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर, ठीक है, इसका एक बना हुआ है, मेक रिजर्वेशन इन मैसेंजर, इसका फ्लो बना हुआ है आपका। कुछ फ्री है आपके पास, फ्री में अगर आप देखें तो आपको ये कह रहा है कि कलेक्ट कस्टमर रिव्यू एंड फीडबैक, शॉपिफाई ऐड टू कार्ट पॉपअप है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो मुख्तलिफ आपके पास ये टेम्पलेट्स हैं। इन्हीं टेम्पलेट को एक को मैंने आपके सामने ओपन किया, जब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये मेरी स्क्रीन पे अभी लोड होगा, ये स्क्रीन पे लोड हो चुका है आपके सामने। अब ये करता क्या, जैसे अभी हमने फ्लो बनाया जो हमारी कस्टमर के साथ डिस्कशन हुई उसका एक फ्लो था, कुछ हम मैसेज कर रहे थे, कुछ कस्टमर मैसेज कर रहा था, तो ये उन्हीं फ्लोस को यहाँ पे मेंशन करा गया। बुक रिजर्वेशन, सेंड कूपन्स, शेयर योर मेन्यू लोकेशन एंड ऑल्स, तो ये टेम्पलेट ये काम करता है। इसमें फीचर क्या क्या है जी, डेमो बॉट प्लीज फॉलो दिस लिंक टू सी हाउ इट वर्क्स। तो अब इसमें मैं इसका लाइव डेमो अगर देखूंगा, तो जैसे मैं लाइव डेमो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरा मैसेंजर का पेज खुल जाएगा। मैं आपके सामने इसको खोल के दिखाता हूँ। लाइव डेमो के ऊपर क्लिक करके जब मैंने लाइव डेमो को क्लिक किया तो मैसेंजर.com पे ये वाला
एक विंडो आ गई। अब यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड करूंगा, तो गेट स्टार्टेड करके वो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पे टेम्पलेट में उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि ये वाला टेम्पलेट क्या करेगा, ये बुक रेजोल्यूशन करेगा, सेंड कूपन करेगा, शेयर योर मेन्यू लोकेशन एंड ऑल्स करेगा। तो हम इसका डेमो देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको कहते हैं गेट स्टार्टेड। अब जैसे ही द मोमेंट मैं इसको गेट स्टार्टेड कहता हूँ, तो ये देखिए अभी मैसेज डिलीवर हुआ, और डिलीवर होने के बाद फिर देखते हैं कि इसका जवाब क्या आता है। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक मैसेज आ गया, इसमें उसने इमेज सेंड कर दिया मुझे, और इमेज सेंड करके उसने मुझे साथ ही मेरा नाम लिख के दे दिया मुझे, और उसने कहा जी हेलो आतिफ, वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, मेन्यू आपके पास यहाँ पे इस टाइम तीन है जी, ठीक है जी। तीन मेन्यू क्या है हमारे पास, एक तो ये अबाउट आवर रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मेन्यू, कॉन्टेक्ट, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी के रेलिवेंट फिर आपको इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। तो अब उसने जैसे ही आपने अबाउट रेस्टोरेंट कहा, तो उसने मजीद एक इमेज हो गया, उसके बाद उसने ये कह दिया कि दिस इज द आइडियल प्लेस टू मीट एंड प्लान योर एक्टिविटीज, वर्क एंड रिलैक्स, फिर टाइम का एक मैसेज सेंड कर दिया। अब वो कह रहे तीन एक्शन आगे मुझे बता रहा है, जो तीन एक्शन मेरे पास आ रहे हैं उनमें से लोकेशन, कॉन्टेक्ट अस, मेक रिजर्वेशन, और ये बटन आ रहे हैं। तो ये बटन जितने सारे हैं, ये इसमें जो कुछ भी आपको शो हो रहा है वो सारे का सारा ऑटो है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैनुअल हो आपके पास। तो अब जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा लोकेशन, तो इसके पीछे एक मैसेज होगा, मेक रिजर्वेशन करूंगा तो इसके पीछे एक मैसेज होगा। तो अब अगर देखें वापिस आप चले जाएं तो मेन्यू के ऊपर, अब मेन्यू में भी ऐसी ये लोकेशन की ऑप्शन नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्ट अस वाली ऑप्शन है। जो कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे ओपन होगा तो वही कॉन्टेक्ट अस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो भी ओपन यहीं से सेम होगा। मैं लोकेशन ट्राई करता हूँ सिर्फ इसको समझने के लिए कि ये कैसे शो करता है। तो देखिए उसने लोकेशन में ये एक मैसेज टाइप करके रखा हुआ कि जी ये हमारा एड्रेस है, और आप इसको अगर चाहें तो मैप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब मैप का देने के बाद, मैप की इंफॉर्मेशन देने के बाद वो फिर कह रहा है कि जी आप क्या कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं हमारी, या आप रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप और देखना चाह रहे हैं। तो जब इसके ऊपर क्लिक हो जाएगा आपका मेक रिजर्वेशन के ऊपर, तो मेक रिजर्वेशन के ऊपर क्लिक होके आपका विजिटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होके आप उससे जो एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे थे वो आपका वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो आप ये सारे के सारे जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे ही लोकेशन का कीवर्ड डाला जाता है, तो अभी आप देखें कि मैं यहाँ पे जब मुझे इसने किया, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे ये लिखा है कॉन्टेक्ट अस, तो मैं सबसे पहला मेरे पास जो मेन्यू ऑप्शन था यहाँ पे आया था कॉन्टेक्ट अस। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करता हूँ कि मैं कॉन्टेक्ट अस टाइप कर देता हूँ, तो देखते हैं कि कुछ होता है इस सूरत में। तो देखें वही सारे का सारा जो है ना वो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ गई। अगेन आपके सामने रीसेट हो गया वो। तो मेन्यू पे क्लिक करके कॉन्टेक्ट अस जब जब करते हैं तब डिफरेंट सिचुएशन आती है आपके पास, जब टाइप करके आते हैं तब आपके पास डिफरेंट सिचुएशन आती है। इसको आप इस तरह से समझ लें कि ये जो आपका ये जो बॉट है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने जो आपको दी, जो डेमो दिया, वो आपको ये समझाने के लिए किया है कि ये वर्क कैसे करता है। अगर इसको आप रिलेट करें, जैसे कोई ट्रेनिंग कंपनी हो तो उसके जो कोर्सेज वगैरह का फर्ज करें हों, या उनके पास कोई भी अगर कोई बंदे कोई रूटीन आता है, तो सबसे पहले उसका क्या फ्लो होगा, वो हेलो करेगा, हेलो करके उसके बाद वो क्या करेगा जी, आई वॉन्ट टू डू कोर्सेज, मतलब आई व्हाट आर योर कोर्सेज। तो कोर्सेज में क्या होगा, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू आ गया वैसे ही कोर्सेज का एक मेन्यू आ जाएगा। फिर वो कोर्स पिक करेगा तो क्या होगा, हर कोर्स की बैक एंड पे एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर वो कोर्स की प्राइस में पूछेगा तो हर कोर्स की प्राइस पता चल जाएगी। पेमेंट कैसे करनी है, तो जो आपके रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं, जो कि रिपीटेडली आपके पास सेम क्वेश्चंस आते हैं या सेम टाइप ऑफ क्वेरीज आती हैं, आप उसको ऑटोमेट कर सकते हैं थ्रू दिस बॉट। अगर आपके पास बहुत अभी तो, क्योंकि अगर इंक्वायरी नहीं अगर आपके पास, तो फिर तो आपको लगता है कि चले मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ जाए, इवन आपके पास अगर फाइवर पे या अपवर्क पे ही बायर के क्वेश्चंस ही इतने आ जाए, तो आपके लिए उनको एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस मेक्स योर लाइफ अ लॉट इजियर। रेस्टोरेंट का टेम्पलेट जो था वो यहाँ पे था, इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करने लगे हैं। इंस्टॉल करके हम देखते हैं कि इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो ये कैसे इफेक्ट करेगा। इसमें जो है ना, आप चाहें तो ये देखें, वो कह रहा है कि आप इसको फील्ड्स को कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले डिफॉल्ट रिप्लाई होगा, वेलकम मैसेज, फिर उसमें मेन मेन्यू, फिर उसके बाद मर्ज टैग्स वगैरह,
इस सारे के सारे को हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मुझे वो कह रहा है कि जी आपका लिमिट जो है एक्सीड कर गई, इसलिए आप इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे का सारा फ्लो जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके कैसे शो होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड पे अगर आप जाएं मेन्यू में, ऊपर तो आपके पेजेस आ जाएंगे। इस पेज में आप लेफ्ट साइड पे जाएं तो यहाँ पे आपके पास आएगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में अब आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं फ्लो। तो आप इसको यहाँ से क्या करें, एक न्यू फ्लो क्रिएट कर लें। ठीक है, अब न्यू फ्लो में भी यहाँ पे आपके पास कुछ प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप एक न्यू एम्प्टी फ्लो कर लें और आप इसको कह लें कि जी माय टेस्ट फ्लो। जब मैंने न्यू टेस्ट फ्लो किया तो ये आपके सामने आ गया। अब इसमें इस एरिया को देखें, ग्रीन सबसे पहले वाले को, ये कह रहे स्टार्टिंग स्टेप, यहां पे कह रहे ट्रिगर, एड ट्रिगर। ट्रिगर आप कौन सा डालना चाह रहे हैं इसमें, हम इसमें डालते हैं कीवर्ड का ट्रिगर। एक कीवर्ड ट्रिगर डालते हैं, हम कहते हैं इफ मैसेज इज समथिंग। ठीक है जी, मैंने मैसेज, मैंने ट्रिगर रख दिया कि समथिंग, कि जब भी कोई बंदा समथिंग करे, ठीक है जी, फेसबुक मैसेंजर पे आके समथिंग टाइप करें तो उसके बाद क्या हो जाए जी, ये वाला काम हो जाए। अब इसमें क्या कहना है, ओके यू टाइप समथिंग, ओके आई कैन सी दैट यू टाइप समथिंग, यू नो एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबॉडी हैज समथिंग, देन व्हाई आर यू स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग। ठीक है, ये मैसेज हम उसके लिए टाइप कर देते हैं तो ताकि वो जो परेशान हो जाए देख के कि ये मेरे साथ हुआ गया है। अब यहाँ पे आप इसको चाहें तो आप एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बटन ऐड कर दिया। अब बटन आपका जो है वो इसमें बटन का टेक्स्ट कर दें जी, गो फाइंड योर सर। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको कर दिया। अब इस पे बटन पे होगा क्या, बटन पे आप कह रहे हैं कि या तो ये बटन को मैसेज करेगा या ये बटन को वेबसाइट ओपन कर देगा। इसको आपने ओपन वेबसाइट कर दिया तो ओपन वेबसाइट करके यहाँ पे आप उसे कह देते हैं, फर्ज कर दीजिए हमारी सिचुएशन होती है कि जी आप यहाँ पे इसको amazon.com से लिंक कर दें। ठीक है जी, वेबसाइट का व्यू नेटिव, बाकी ये आप उसको ऐसे का ऐसे ही लीव कर दें। इसको अब आप डन कर दें। अब ये आपका जो फ्लो है, ये एक मैंने बिल्कुल बेसिक फ्लो आपके सामने बनाया। ठीक है जी, इसको अब मैं करता हूं पब्लिश। तो अब ये वाला जो है ना फ्लो, ये पब्लिश हो गया आपके सामने। ठीक है जी, अब कोई भी बंदा जाके समथिंग करेगा तो उसको ये मैसेज शो होना चाहिए लीडर्स ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के पेज पे जाकर, पेज पे।